अयोध्या में राम मंदिर की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए जैसे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ लिया, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य मोदी जी ने प्रारंभ करवा दिया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण हो गया है, उत्तराखंड के केदारपुरी में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार हो गया है, तो बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ धाम का सुंदरीकरण का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। भाइयों बहनों, ये भारत की आस्था का सम्मान, गुजरात में एक और सोमनाथ मंदिर के सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, द्वारिका धाम को भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है, अंबाजी के धाम का पूरा भव्य स्वरूप प्रदान करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर है। भाइयों बहनों, आस्था का ये सम्मान क्या कांग्रेस कर पाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? क्या कांग्रेस काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करा पाती? क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 को हटा पाती? और क्या कांग्रेस के रहते हुए कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया जा सकता था क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये दोनों सुरक्षा के लिए भी और समृद्धि के लिए भी बैरियर है। बैरियर इनको इससे उम्मीद मत करिए। और देखो, उत्तर प्रदेश की जनता तो कितनी सूझबूझ से काम ली। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस को 25 करोड़ की आबादी है यूपी की, 403 विधानसभा है और कांग्रेस को मात्र मिले हैं 2 सीट। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं, कांग्रेस को 4 मिलेंगे। आम आदमी पार्टी 0, 1 सीट के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले ही समझ लिया था कि जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे, विकास में बाधक हो, नौजवानों के रोजगार में डकैती डालते हो, अन्नदाता किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हो, आखिर कांग्रेस ने इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दिया? गरीबों को मकान क्यों नहीं दिए? गरीबों के घर में शौचालय क्यों नहीं बना दिए? गरीबों को आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं दिया? और अब तो डबल इंजन की सरकार ने घोषणा कर दी है कि जैसे ही डबल इंजन की सरकार फिर से गुजरात में बनेगी, आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की बीमा कवर को 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये काम मोदी जी और भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार ही कर पाएगी। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हुआ था कि एक और आस्था का सम्मान और सुरक्षा की गारंटी भाजपा है, दूसरी तरफ आस्था का अपमान और सुरक्षा में सेंध लगाने की गारंटी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आज तो उत्तर प्रदेश में भी दंगे नहीं होते, शांत हो गया उत्तर प्रदेश, नहीं तो हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे। हम लोगों ने दंगाइयों की फोटो भी चस्पा कर दी, उनकी संपत्ति भी अपने अपने कब्जे में ले ली और कहा आवश्यकता पड़ी तो पेशेवर दंगाइयों ने जिन्होंने पिछले विपक्ष के शासन काल में अपूर्ण संपत्ति अर्जित की थी, सरकारी भूमि पर आक्रमण किया था, वहां पर हमने बुलडोजर चलाने में भी कोई विरोध नहीं किया।
आपके भाइयों बहनों में आपसे मिल करने के लिए आया हूँ। इस सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा हो सकती है। आप सभी भाजपा को समर्थन देंगे?